हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप? तो आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो इवनिंग टाइम शुरू हो चुका है और काउ मिल्किंग करेंगे आज हम, तो चलिए। तो देखिए, घास मतलब खिलाकर इन्हें बाहर बांध दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि आराम से बैठ जाए और दूध निकालने के टाइम पे फिर इन्हें एक एक करके अंदर बांध लेंगे। और इन दोनों का, भैंस का और गाय का दूध निकलेगा, तो इन्हें अंदर बांधेंगे। और अभी देखिए, मैं बच्चे को भी लेकर जाऊंगी। पहले मैंने गाय को बांधा है और बच्चे को इसके मुंह में मतलब उंगली चुसाते चुसाते ले जाते हैं, तो ये आराम से चली जाती है। ये देखिए, आराम से चूंग रही है। और अभी गाय के जो है बीसी का जोर है थोड़ा सा, अभी थोड़ी तो कम हो गई है, लेकिन अगले थन में जो है अभी है थोड़ी सी, तो जब ये कम हो जाएगी तो फिर इसे दूध पीने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और चारों थन मैंने इसे मतलब पिला दिए हैं थोड़े थोड़े से, और एक थन हम इसे पूरा पिलाते हैं। एक थन में से एक बूंद दूध भी नहीं निकालते हैं, और इन चारों में से, इन तीन बाकी में से भी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते हैं, लेकिन एक पूरा थन छोड़ देते हैं ताकि ये छक जाए, क्योंकि अभी तो ये घास घूस भी नहीं खाएगी 15-20 दिन तक। और लास्ट में से बहुत देर तक चोंगने देंगे, क्योंकि गाय ऐसी होती है थोड़ा थोड़ा सा दूध उतारती रहती है बाद में भी अपने बच्चे के लिए। और अभी मैं निकाल लेती हूँ दूध, फिर करेंगे अपने दूसरे काम दूध निकालने के बाद में, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम दूध का सही होता है, क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है और रात छोटी होने लगी है, थोड़ा फर्क ही रह गया है। और बीसी की वजह से मतलब थन भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ पाती हूँ मैं अभी। जब बीसी ठीक हो जाएगी तो थन भी थोड़े से सही हो जाएंगे इसके। और बहुत अच्छी है, बिना नेने के ही मतलब दूध देती है ये। और दूध मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल भी पैर नहीं उठाती, आराम आराम से मैं दूध निकालती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं पैर उठाती बिल्कुल भी, और जैसे सींग है टक्कर भी नहीं मारती है, बहुत आराम से खड़ी रहती है। बहुत अच्छी गाय है ये। और देखिए, तीन थन का ही मैंने दूध निकाला है, एक थन जो परले वाला मैं इसके मुंह में दे रही हूँ वो मैंने छोड़ दिया है, चौथे नंबर का पिछला थन है। अब ये आराम से पीती रहेगी। और यहाँ पर चाचा जी और पिताजी कर रहे बात, तब तक मैं ये वाली बाल्टी रखाऊंगी और दूसरी बाल्टी लेकर आऊंगी। अब भैंस का दूध निकलेगा और चाचा जी निकालेंगे, दूसरी बाल्टी मैंने उठा ली है। तो देखिए, इसे अभी तक मतलब लगा हुआ छोड़ रखा है मैंने चूंगने के लिए, जब तक ये सारा दूध नहीं पी लेगी तब तक मैं इसे नहीं बांधूंगी। और देखिए, इसने मतलब चारों थन का दूध जो है अच्छे से पी भी लिया है।
और इधर चाचा जी निकाल रहे हैं भैंस का दूध, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि बछिया को बांध देना, इसका मैं निकाल दूंगा। और गाय का दूध अभी हमारे में नहीं रख रहे हैं, अभी तो बस पीने में यूज कर रहे हैं। और फिर देखिए मैं छत पर लेकर जा रही हूँ गोबर, माँ ने भर के दिया है, माँ ने कहा कि मैं भर देती हूँ और तुम ऊपर डाल देना। और इस गोबर को मैं डालते ही पाथ भी दूंगी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। और शाम के टाइम का गोबर कभी 3 तसले भी हो जाता है, और आज मैंने जल्दी ही मतलब छत पर चढ़ाया तो 2 तसले हुआ है। तो ये दोनों तसले गोबर जो है मैं अभी पात कर रख दूंगी। और गोबर भी मैंने पा दिया है, अभी मैं थोड़े से हाथ यहाँ पर क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे तसला और इंडवा भी ले जाना है। और यहाँ पर प्रीति लगा रही है झाड़ू, शाम के टाइम की झाड़ू निकालते हैं जैसे घर में वो कर रही है। और आरुषि ने छोटी सी झाड़ू घिसी हुई जो है फूल झाड़ू उठा लिया है हीरस में। तो देखिए जब मैं छत पे से आई हाथ धोने के बाद में, माँ ने कहा कि पालक ले आओ और हरा धनिया और चने का साग, क्योंकि अभी लास्ट का है पालक, तो एक बार और खा लेंगे पालक का साग। तो यहाँ पर ये हरा धनिया काट कर दे रही थी मुझे, और इन्होंने मुझे कहा था कि तुम पालक काट लो और चना भी तोड़ लेना, क्योंकि चना इनके यहाँ पर काफ़ी सारा खड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा हो रखा है। और शाम के टाइम में तो थोड़ा ही बतेरा रह बहुत रहता है। और जो ठीक ठीक सा था वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है, इस पे भी बीज आने लगा है। तो सही सही से पत्ते जो बिल्कुल सही लग रहे थे मैंने छांट छांट कर वही निकाले हैं। और अभी उधर से तोड़ रही हूँ मैं चना, ये देखिए इस तरीके का होता है चना जो साग में डलता है।
और चना मैंने तोड़ लिया है जितना ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है चना, यानी कि चना चना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने हरा धनिया जो है काट कर रख दिया था, अब मैं इसे भी इसमें रख लूँगी थैले में। और अभी हम चल दिए हैं घर। और मैं इन्हें लेकर आई थी इधर क्योंकि इधर कोई दिख नहीं रहा था, तो बस वे ही थी। और इधर कुत्ते भी हैं तो डर लगता है उनसे भी यहाँ पर। और देखिए यार उसकी कारस्तानी ये क्या कर रहा है, जेसीबी लेकर आया था मेले में से, ये भी तोड़ दी। और थोड़ी थोड़ी करके डाल रहा है नाली में। और ट्रैक्टर जेसीबी इस तरह की चीज़ें से बहुत ज़्यादा पसंद है खिलौनों में। और अभी यहाँ पर आ गई है आरुषि भी। अपनी मस्ती में दोनों खेल रहे हैं, दोनों बहन भाई। और कह रहा था कि मिट्टी नहीं बताता है, कह रहा है कि गोबर डाल रहा हूँ, गोबर उठा रहा हूँ। और इधर साग की हो गई है पूरी तैयारियाँ, ये देखिए काट कर दांतड़े से प्रीति ने डाल दिया है हंडी में। और हंडी के साग की तो बात ही कुछ और होती है। और एक पतीली में भैंस का दूध गर्म किया है, और एक बड़ी पतीली है इसमें गाय का दूध गर्म किया है। और पालक जो है पक गया है, अब इसका पानी निकाल दिया है। और ये गल गया है तो पालक का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल देते हैं, ताकि साग जो है तलक ना लगे। और पालक गलने के बाद में ही ये पानी निकाला जाता है जो एक्स्ट्रा पानी होता है। और ये देख रही है कि ये गल गया है नहीं, तो अभी इसे घोटेगी। और देखिए बंदर ले गया है चाचा जी की तरफ से कटोरी उठाकर नीचे से। ये देखिए बंदरों का प्रकोप हमारे यहाँ पर कितना ढेट करते हैं, मतलब बर्तन लेकर बैठ जाते हैं ऊपर, और साफ कटोरी है बिल्कुल बर्तनों में से उठाकर ले जाते हैं। तो अब इसने लहसुन अदरक इसमें काट कर रख रखा था तो वो भी डाल दिया है। तो अब ये आलन घोल लिया है इसने।
तो वो आलन घोल लिया है इसमें और साग घुट गया है और आलन भी डाल दिया है। तो देखिए साग कितना अच्छा घुटा है और साग है बनकर तैयार। अब इसे थोड़ी देर ढककर रख देंगे और पकाएंगे थोड़ा सा, और पकाने के बाद ही उतारेंगे। तो अभी प्रीति डालेगी इसमें हींग, तो देखिए साग कितना अच्छा बना है। और इसे दूसरे उस पर उतार कर रख दिया है अंगारी रख के, ये देखिए। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा रूटीन, इवनिंग रूटीन, जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।